नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बेटे से गरीब है सीएम नीतीश। ओमिक्रॉन टेस्टिंग की राज्य में व्यवस्था करने का जारी हुआ निर्देश। बिहार के 42 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को मिलेगा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक। बिहार में एक्सप्रेसवे पर इसी साल से काम होगा शुरू। जनवरी में होगा बीपीएससी एसीएफ 2020 का मेडिकल टेस्ट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश ने दी नए साल की बधाई। आज से नए साल की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर सुबह से ही आपके घर परिवार वालों की तरफ से शुभकामनाएं तो आ ही रही होंगी। वहीं इसी बीच बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि साल 2022 समस्त बिहारवासियों और देशवासियों के लिए सुख शांति सद्भाव समृद्धि और अनंत सफलताओं का वर्ष होगा। वहीं राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि नए साल में हमें शांति सद्भाव और पारस्परिक प्रेम से परिपूर्ण समतामूलक समाज के निर्माण और राज्य और देश की प्रगति में सर्वोत्तम योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए। राज्यपाल ने कामना की है कि नूतन वर्ष सभी के जीवन में बेहतर स्वास्थ्य, खुशियां और समृद्धि लाए। ओमिक्रॉन टेस्टिंग की राज्य में व्यवस्था करने का जारी हुआ निर्देश। बिहार में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बीच ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि अभी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के बिहार में पैनिक बटन तो नहीं दबा है, लेकिन मामलों में इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच बीते दिन बिहार में कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओमिक्रॉन के टेस्टिंग की जल्द से जल्द राज्य में व्यवस्था करें, ताकि ओमिक्रॉन संक्रमितों का शीघ्र पता चल सके और ससमय इलाज हो सके। पिछले 2-3 दिनों में से कोरोना संक्रमण में वृद्धि के ट्रेंड देखे जा रहे हैं, इस पर पूरी नजर रखें। सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के साथ साथ जिला अस्पताल और अनुमंडल अस्पतालों में भी पूरी तैयारी रखने की बात कही गई है। बिहार के 42 पुलिस अधिकारी और कर्मियों को मिलेगा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक। राज्य के पुलिस बल के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 2 साल के सेवा में उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा के लिए पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक की शुरुआत की जा रही है, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना के मुताबिक किया जा रहा है। खुशी और गर्व की बात यह है कि इस साल बिहार के 42 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिसमें सेंट्रल रेंज के आईजी संजय सिंह, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के आईजी एमआर नायक शामिल है। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस पर आएंगे केवल खास लोग। बिहार में आज से 10 दिनों पहले जब कोरोना के दैनिक मामले सामने आ रहे थे, तो उम्मीद सभी को यही थी कि शायद बिहारवासियों ने कोरोना की इस जंग को जीत लिया है, लेकिन अब मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। यही कारण है कि अब नए साल के शुरू होते ही आने वाले खास मौकों पर एहतियाती कदम उठाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह में पटना के गांधी मैदान में आम जनता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। सिर्फ अति विशिष्ट महानुभावों और वरीय पदाधिकारी को ही आमंत्रित किए जाएंगे। इस संबंध में बिहार सरकार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। बेटे से गरीब है सीएम नीतीश। बिहार के मुखिया सीएम नीतीश की संपत्ति के बारे में अगर बात होगी, तो आप और हम यही सोचेंगे कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की होगी, लेकिन यहाँ मामला ठीक उलट है। आलम कुछ यूं है कि सीएम नीतीश तो अपने बेटे से भी ज्यादा गरीब है। इसको लेकर के बीते दिन ही सीएम नीतीश ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है। ज्ञात हो हर साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी मंत्री अपनी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साल के अंतिम दिन अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री की चल अचल संपत्ति की बात करें तो नकद 29,385 रुपए है। वहीं बेटे निशांत के पास नकद 16,949 रुपए है। वहीं मुख्यमंत्री के बैंक अकाउंट में मामूली रकम है, वहीं कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, जबकि बेटे निशांत के नाम पर SBI बैंक में 99,06,952 रुपए जमा है, जबकि PPF SBI में 28,71,393 रुपए है। बेटे के पास बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट भी है, NSS पोस्टल सेविंग्स है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट में बेटे के नाम पर 25,52,000 रुपए है, यानी कि मुख्यमंत्री के पास कुल चल अचल संपत्ति 16,51,626 रुपए की है, जबकि बेटे निशांत के पास 1,63,79,422 की है। आज से कई नियमों में हो सकता है बदलाव।
हर नए महीने के साथ नए नियमों में बदलाव देखने को मिल ही जाता है। ऐसा ही कुछ इस महीने भी होने वाला है। हालांकि आज तो नए साल का पहला दिन है, ऐसे में कई नियमों में बदलाव होना लाजमी है, जिसके तहत ही नए साल में ऑनलाइन ऑटो सर्विस महंगी हो जाएगी। इसके साथ ही आज से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग में हर बार कार्ड डिटेल देना होगा। ऑनलाइन फूड ऑर्डर लेने वाली कंपनी आज से जीएसटी की वसूली कर सकती है। वहीं आज से रेल यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि खबर यही है कि नए साल में लोगों को कई ट्रेनों में जनरल टिकट मिलने लगेगी, यानी कि लोगों को रिजर्वेशन टिकट से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही गैस सिलेंडर के दाम में भी लोगों को काफी राहत दी गई है। पटना में हवा के सेहत में हो रहा है जबरदस्त सुधार। पटना में हवा की सेहत दिन प्रतिदिन ठीक होती जा रही है। दिवाली के बाद से ही हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में आकी जा रही थी, लेकिन पहले बारिश और फिर पूर्वा हवा के कारण पटना की हवा गुणवत्ता सुधरती जा रही है। आलम कुछ यूं रहा कि शुक्रवार को पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 165 तक पहुंच गया है। जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार उछाल देखा गया था, उसमें अब भारी कमी देखी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप राजधानी पटना में रहने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिर्फ पटना में ही नहीं, बिहार के कई शहरों में भी हवा प्रदूषित हो चुकी है। यहां तक कि बिहार के सीमांचल के जिला पूर्णिया किशनगंज में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से पार हो गया था। साथ ही भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से पार देखा गया था, लेकिन अब पटनावासी जहरीली हवा की चत से बाहर आ रहे हैं। नए साल पर महावीर मंदिर में देखने को मिली खास तैयारी। आज नया साल है और नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ हनुमान जी के मंदिर में उमड़नी लाजमी थी। हालांकि कोरोना के इस माहौल में आज का जश्न तो फीका रहा, क्योंकि बिहार सरकार ने कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पार्कों को बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन आज के दिन भगवान के दर्शन करने की छूट आपको पूरी पूरी मिली है। नववर्ष 2022 के प्रारंभ होने के अवसर पर महावीर मंदिर में विशेष पुष्प श्रृंगार किया गया था। गुलाब, गेंदा आदि फूलों से गर्भगृह से लेकर भीतरी प्रवेश द्वार तक आकर्षक तरीके से सजाया गया था। शनिवार को सुबह 5 बजे मंदिर खुलते ही भक्तों का प्रवेश शुरू करवा दिया गया था। हालांकि भीड़ नियंत्रण और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए महावीर मंदिर की तरफ से लगभग 100 निजी सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों की तैनाती भी की गई थी। जनवरी में होगा बीपीएससी एसीएफ 2020 का मेडिकल टेस्ट। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक के पद पर भर्ती के लिए मेडिकल टेस्ट की तारीख जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 10 जनवरी 2022 को सुबह 10:30 बजे से आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए कुल 58 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उम्मीदवारों को एक फोटो पहचान प्रमाण के साथ फिजिकल टेस्ट के लिए जारी अपना प्रवेश पत्र लाने का निर्देश दिया गया है। इस भर्ती के तहत 8 वैकेंसी को भरा जाएगा। आयोग ने योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जो कि उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सीएम नीतीश के समाज सुधार अभियान पर पड़ा कोरोना का असर। बिहार में जितनी तेजी से सीएम नीतीश विभिन्न जिलों का दौरा कर समाज सुधार अभियान में लगे हुए हैं, उतनी ही तेजी से बिहार में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसका असर आम जनजीवन पे तो पड़ ही रहा है। वहीं अब कोरोना के बढ़ते मामलों का असर सीएम नीतीश के समाज सुधार अभियान कार्यक्रम पर भी पड़ा है, जिसके तहत ही अब उनके कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 4 जनवरी को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मगध प्रमंडल के गया में होने वाला था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। गया के स्थान पर अब औरंगाबाद में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। समाज सुधार अभियान यात्रा का कार्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर कैबिनेट विभाग की तरफ से लेटर भी जारी कर दिया गया है। बिहार में एक्सप्रेसवे पर इसी साल से काम होगा शुरू। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बिहार में बनने वाले 4 एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी जानकारी देते दिखाई दिए, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि बिहार को 4 एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी हो रही है। लगभग 190 किलोमीटर लंबे औरंगाबाद के आमस से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इसी साल से शुरू होने की पूरी पूरी उम्मीद है। सबसे खास बात यह है कि 4 फेज में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के 3 फेज के लिए टेंडर जारी हो गया है। नितिन नवीन ने कहा है कि बिहार में गंगा नदी पर 12 पुल बन रहे हैं और 4 एक्सप्रेसवे के साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार के पास कई प्रस्ताव दिए गए हैं। हालांकि इन सब के बीच नितिन नवीन ने माना है कि जमीन अधिग्रहण के साथ राशि का इंतजाम भी एक बड़ी चुनौती है। सीएम नीतीश के अभियान का कोई मतलब नहीं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान पर है, जहां वो बिहार के अलग अलग जिलों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके इस अभियान को लेकर बिहार के कई विपक्षी दल तंज कसने का काम भी कर रहे हैं, जिसमें राजद का नाम सबसे पहले है। वहीं अब कांग्रेस भी इस रेस का हिस्सा बन गई है, जिसके तहत बिहार कांग्रेस के कई नेताओं ने सीएम नीतीश की इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी खर्च पर सरकार के समर्थकों को जुटाकर सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, जीविका दीदियों, टोला सेवकों के द्वारा स्वागत गीत
गीत से लेकर गुणगान कराने के सिवा इस कार्यक्रम में और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री तो कुर्सी कुमार और पलटू राम के उपनाम से बिहार में शुरू से विख्यात है। तेजस्वी की सरकार आई तो सस्ती हो जाएगी बिजली और पेट्रोल डीजल। बिहार में महंगाई की मार तो चरम पर है, जिसके कारण ही बिहार वासियों को खाने के साथ साथ परिचालन में ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महंगाई कम करने को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम करेंगे। तेजस्वी ने इसके साथ ही सरकार को पहले अपना सिस्टम सुधारने की नसीहत दी है। खुद नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा है, मदद मिलनी चाहिए, तो फिर देश भर में सबसे ज्यादा महंगी बिजली क्यों बेच रहे हैं, उत्पादन क्यों नहीं होता, आप दूसरे से खरीदते हैं महंगे में बेचते हैं। पेट्रोल डीजल में भी सरकार कटौती कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर। देश के दूसरे राज्यों में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों के बीच राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आई है। बिहार में ओमिक्रॉन नहीं है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि फिलहाल नहीं है, क्योंकि कोरोना के इस नए वेरिएंट की जांच के लिए बिहार के पास कोई जरूरी उपकरण ही मौजूद नहीं है। यही कारण है कि बिहार में कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किस वेरिएंट के बढ़ रहे हैं ये कहना मुश्किल है। हालांकि सबके बीच बिहार की राजधानी पटना से एक अच्छी खबर सामने आई है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS में सोमवार से कोरोना संक्रमितों से ओमिक्रॉन वेरियंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जांच शुरू की जाएगी। इसके लिए आवश्यक मटेरियल अमेरिका से दिल्ली पहुंच गया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार कस्टम की आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार या रविवार तक हवाई मार्ग से पटना पहुंचने की इसकी संभावना है। भारत की ODI टीम का हुआ ऐलान, रोहित की जगह इन्हें मिली कप्तानी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज का आगाज 19 जनवरी से पर्ल के बोलैंड पार्क में होने वाला है। दूसरा वनडे भी इसी मैदान पर 21 जनवरी को खेला जाएगा और अंतिम वनडे केप टाउन में 23 जनवरी को होगा, जिसको लेकर ही अब टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत रोहित शर्मा वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रोहित हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर नहीं सके हैं। रोहित की जगह KL राहुल वनडे टीम की कमान संभालेंगे। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाया गया है। इसके अलावा टीम इंडिया में 4 साल बाद ऑफ स्पिनर आर अश्विन की वापसी हुई है। इतना ही नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को भी वनडे टीम में जगह दी गई है। युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, रंजन कुमार, मृत्युंजय कुमार, सोनू सम्राज ऑफिशियल, सौरभ मिश्रा, अविनाश कुमार, आकाश राम, रंजीत राजा, मिथुन कुमार पंडित, अनिल कुमार, मुकेश सिन्हा, राहुल राज, नीतीश कुमार, अजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सुमित कुमार, अजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज नया साल है तो ऐसे में आज आप अपना यह नया साल कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।